जय हिंद, स्वागत है आपका एसएससी जीडी के जीके जीएस के इस दूसरे पार्ट में, जिसमें हम टोटल आज 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आप जो है सभी क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयत्न कीजिएगा, और वीडियो खत्म होने के अंत में आप जरूर, खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना मार्क्स बताइएगा कि आप कितने स्कोर कर पाए आउट ऑफ 25। ठीक, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, माउंट विंसन किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है हमारा ए ऑस्ट्रेलिया, बी उत्तरी अमेरिका, सी अफ्रीका और डी अंटार्कटिका। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी अंटार्कटिका। माउंट विंसन जो है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट माउंट कोसियास्को जो है, माउंट कोसियास्को यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखें उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो डेनाली चोटी। क्या? डेनाली चोटी जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो यहाँ पे किलिमंजारो, आप नाम सुने होंगे, किलिमंजारो जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें कौन सुमेलित नहीं है? टेलीफोन, ग्राहम बेल, बी रेडियो, हैवी लैंड कैरियर, सी फाउंटेन पेन, वाटरमैन, डी जनरेटर माइकल फैराडे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी इसमें गलत है, यानी कि सुमेलित नहीं है। रेडियो का आविष्कार हैवी लैंड ने नहीं किया था। सही आंसर इसका हो जाएगा मार्कोनी। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तीसरा, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? ए 6 जोड़ी, बी 10 जोड़ी, सी 12 जोड़ी और डी 8 जोड़ी। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी 12 जोड़ी, यानी कि टोटल 24 जो होती हैं मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती हैं। ठीक, और भी कुछ पसलियाँ देख लेते हैं, हड्डियाँ देख लेते हैं, जैसे कि हाथ में अगर हैंड की बात की जाए तो मनुष्य के एक हाथ में कुल मिलाकर 30 हड्डियाँ होती हैं। अगर दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं, यानी कि 60 हड्डियाँ जो है मानव के हाथ में होती हैं। उसी तरह अगर पैर की बात की जाए, लेग की बात की जाए, तो लेग में भी मनुष्य के पैर में 30 हड्डियाँ होती हैं एक पैर में। अगर दोनों पैरों का मिला ले तो 60 हड्डियाँ मनुष्य के पैर में भी होती है। ठीक, अगर ईयर की बात करें, कान की बात करें, तो मनुष्य के एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं। दोनों कान की बात करें तो दोनों कानों मिला के 6 हड्डियाँ हो जाती हैं। ठीक, अगर खोपड़ी की बात करें, स्कल की बात करें, तो स्कल में भी मानव शरीर के स्कल में कुल मिलाकर कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 22 हड्डियाँ होती हैं खोपड़ी में। ठीक, और अगर बात की जाए सबसे सबसे बड़ी हड्डी या सबसे लंबी हड्डी की बात की जाए, तो हमारा आंसर हो जाएगा फीमर। क्या हो जाएगा? फीमर, जो कि कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य के जांघ में पाया जाता है। ठीक, अगर सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए, सबसे छोटी हड्डी, तो हमें आंसर हो जाएगा स्टेपिस। कहीं स्टेपिस दिखा जाता है, कहीं स्टेप्स लिखा जाता है। ठीक, तो हमें आंसर हो जाएगा स्टेप्स, जो कि कान में पाया जाता है, ईयर में पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चौथा प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है ए रेटिनॉल, बी थाइमिन, सी एस्कॉर्बिक अम्ल, सी कैल्सीफेरॉल। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन इंग्लिश में विटामिन बोलते हैं, हिंदी में विटामिन बोला जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। ठीक, थाइमिन जो है ये विटामिन बी का ये रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक अम्ल आपने जान लिया, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का ये रासायनिक नाम है। अगर बात की जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी हो जाएगा तो हमको रतौंधी हो जाएगा। ठीक, दूसरा है थायमिन, यानी कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। तीसरा है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि विटामिन सी की कमी हो जाएगा तो हमें एस्कॉर्बी हो जाएगा, यानी कि मसूरों से खून निकलने लगता है। और कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स हो सकता है।
ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्न में से भारत किस देश के साथ सर्वाधिक तटीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन है ए चीन, बी म्यांमार, सी भूटान और डी पाकिस्तान। तो इस इन चारों ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा चीन। चीन, म्यांमार, भूटान और पाकिस्तान में अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा तटीय सीमा भारत किस देश के साथ साझा करता है, तो हमें आंसर हो जाएगा चीन। लेकिन अगर ऑप्शन को हम छोड़ दें, ओवरऑल देखें तो सबसे ज़्यादा जो होता है, चलिए मैप से समझ लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो होता है भारत किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो एक नंबर में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। बांग्ला देश के साथ साझा करता है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है। दूसरी बात की जाए दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पे आता है चीन। दूसरे नंबर पर कौन आता है? चीन आता है। आप देख लीजिए चीन से ये सीमा साझा कर रहा है भारत, पूरा ये सब यहाँ से लेकर सब चीन के साथ ही साझा कर रहा है। फिर यहाँ पे बीच में नेपाल घुस गया है, फिर इधर थोड़ा सा चीन, फिर इधर है, ठीक। तो दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर बात की जाए तो तीसरे नंबर पर पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान आप देख सकते हैं ये सब पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा है, ये सब पाकिस्तान है, ठीक, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान हो गया। चौथे नंबर पे बात की जाए तो चौथा जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है सबसे अधिक, तो हमें आंसर हो जाएगा मतलब चौथा हो जाएगा नेपाल, ये वाला जो हिस्सा है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है भारत। नेक्स्ट देखते हैं पाँचवा, तो पाँचवा जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है सबसे अधिक। म्यांमार, म्यांमार कहाँ है? तो यहाँ पे देख लीजिए ये यहाँ से लेकर ये सब म्यांमार के साथ भारत जो है सीमा साझा कर रहा है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। उसके बाद छठा नंबर जो है भूटान, भूटान के साथ छठे नंबर पर, ये रहा भूटान यहाँ पे, ये देखिए ये छठा नंबर पे भूटान के साथ सीमा साझा कर रहा है। और सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीधा सीमा साझा करता है यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा बस यही यही इतना, 106 किलोमीटर लंबा सीमा जो है साझा करता है भारत अफगानिस्तान का। सबसे अधिक पूछे तो बांग्लादेश, सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान, लेकिन इन ऑप्शन में अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा तो चीन, ठीक, और इन ऑप्शन में सबसे कम पूछे तो हमारा आंसर हो जाएगा भूटान, ठीक। चलिए उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, छवा प्रश्न, गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 24 दिसंबर, बी 25 दिसंबर, सी 26 दिसंबर और डी 27 दिसंबर। आप सभी को जरूर काउंट कीजिएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक। तो हमें ऑप्शन है ए 24 दिसंबर, बी 25 दिसंबर और सी 26 दिसंबर और डी 27 दिसंबर, ठीक। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं, और ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जो है, अटल बिहारी वाजपेयी उन्हीं के जन्मदिन पर इसको मनाया जाता है, जो कि 2014 से मनाया जा रहा है, 2014 से मनाया जा रहा है, इसे मनाया जा रहा है। इन सबको आप जरूर नोट कीजिएगा अपने कॉपी में अगर आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। सातवां प्रश्न, किस मंत्रालय ने ई संपदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन हमारा ए शिक्षा मंत्रालय, बी संस्कृति मंत्रालय, डी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और डी वित्त मंत्रालय। हाँ, सही आंसर हो जाएगा सी आवास एवं शहरी मंत्रालय ने ई संपदा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, ठीक। अगर बात की जाए शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है क्या है, शिक्षा मंत्री है वर्तमान में। संस्कृति मंत्री की बात करें तो जी किशन रेड्डी जो है, जी किशन रेड्डी है, क्या है, संस्कृति मंत्रालय देख रहे हैं। आवास एवं शहरी मंत्रालय की बात की जाए तो हरदीप सिंह पुरी जो हैं ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को देख रहे हैं। वित्त मंत्रालय आप जानते होंगे वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन जो हैं ये क्या है, वित्त मंत्री हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हमारा, इसका आंसर हो जाएगा सी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। आठवां प्रश्न, इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? ऑप्शन है ए पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929, बी सरदार भगत सिंह की शहादत 1931, सी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1938 और डी शिमला सम्मेलन 1945। तो
आंसर हो जाएगा इसमें सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1938 में नहीं हुआ था। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1934 में हुआ था। पूर्ण स्वराज का मांग 1929 में हुआ था, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जो कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था, कांग्रेस का 45वां अधिवेशन जो कहाँ हुआ था, लाहौर में 45वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो पीटी नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं सरदार भगत सिंह के साथ, बिल्कुल सही है। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और ये शिमला समझौता बिल्कुल सही, 1945 में ही शिमला सम्मेलन हुआ था। तो हमारा आंसर बिल्कुल सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 9वां प्रश्न। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के राज्यों का क्रम है, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, सी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। यहाँ से एक ही से हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और एक ही ऑप्शन में है जो राजस्थान पहले, तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मात्र एक ही ऑप्शन है जिसमें राजस्थान पहले है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। और भी एक दो बात जान लीजिए, जैसे कि आप अगर राजस्थान की बात कीजिए, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो जर्मनी के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। अब इससे आप सोच लीजिए कि जर्मनी की, अगर आप भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो कहेगा जर्मनी कितना छोटा देश है, और जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो कहेगा राजस्थान कितना बड़ा राज्य है, या भारत कितना बड़ा देश है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान इसका सही आंसर होगा। राजस्थान, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। अगर सबसे स्मॉलेस्ट राज्य की बात की जाए, स्मॉलेस्ट स्टेट क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए, सबसे छोटा, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोवा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देखा जाए, जनसंख्या में छोटा कहें, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम। जनसंख्या में अगर सबसे बड़ा कहे, जनसंख्या में सबसे बड़ा की अगर बात की जाए, तो हमारा आंसर आपको पता होगा उत्तर प्रदेश, जनसंख्या में सबसे बड़ा है। ठीक, तो ये हमारा ओवरऑल हमारा सेशन। अगर आपको राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान जो है पूरे भारत का लगभग 10.41% क्षेत्र को कवर करता है राजस्थान अकेले। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, 10वां प्रश्न। यदि वित्त मंत्री लोकसभा में वार्षिक बजट पारित करने में असफल रहते हैं, तो प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा रहती है। ऑप्शन है ए, इस्तीफा देने के लिए वित्त मंत्री को मजबूर करना, बी, अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा पेश करना, सी, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाना, या डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी, अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा पेश करना। पूरा जो मंत्रिमंडल है, पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा पेश करना, ये प्रधानमंत्री से अपेक्षा होती है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां प्रश्न। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। ऑप्शन है ए, 42वां संविधान संशोधन, बी, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, और डी, 47वां संविधान संशोधन। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, 44वां संविधान संशोधन के तहत जो था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट बनाया गया, और इसको कहाँ डाला गया, अधिकार। पहले यह क्या, जब यह मौलिक अधिकार था, तो यह था 1906 में था संपत्ति के अधिकार, लेकिन जब इसको कानूनी अधिकार बनाया गया, तो अनुच्छेद 301 कहिए या क में इसको शामिल कर दिया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन। ठीक, और अगर बात की 44वां संविधान संशोधन से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के समय हुआ था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन आया था। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन के
गलतियों को या बुराइयों को, कैसे कह सकते 42वां संविधान संशोधन के बुराइयों को, बुराइयों को कम करने या खत्म करने के लिए, खत्म करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो हमें आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में संविधान की जो मां बहन किया उन लोगों ने, उसको सुधारना ही 44वां संविधान संशोधन का मुख्य कर्तव्य था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 42वां सॉरी 42वां बारहवा क्वेश्चन, ओजोन की सांद्रता का मात्रक क्या होता है, यानी कि ओजोन की जो सांद्रता होती है उसको किसमें मापते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी डी ऑप्शन, जो ओजोन की सांद्रता है उसको डी ऑप्शन में मापते हैं। न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, जूल जो होता है कार्य या ऊष्मा का मात्रक होता है, एम्पियर जो होता है धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 13वां प्रश्न, भारत की पहली टाइगर रिजर्व हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में की गई, सॉरी, भारत की पहली टाइगर रिजर्व हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में की गई है, यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सफारी की शुरुआत जो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में की गई है। ये हॉट क्या बोलते हैं, टाइगर रिजर्व हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी क्या है? तो यार ऐसा देखते होंगे ना, बैलून टाइप का ऐसा कहाँ गया, सॉरी, इस तरह का बैलून होता है और नीचे इस तरह का कुछ लगा होता है जिसमें आदमी बैठता है। लोग एक ढोल फिल्म था शायद, ढोल की धमाल फिल्म था, उसी में पैसा लेकर भागता है सब इसी से। तो इसमें आदमी बैठता है, इसमें आग लगा दिया जाता है, ये उड़ के ऊपर ऊपर जाएगा, इस तरह का ये होता है हॉट एयर बैलून। ठीक, तो इस सफारी की शुरुआत जो है कहाँ की गई है सबसे पहले, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि ये किस राज्य में है? ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी असम और डी राजस्थान। में सही उत्तर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश, यानी कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। एक और क्वेश्चन इसको भी याद रखना है कि पहली टाइगर रिजर्व में हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी किस टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फौसिल, सतपुरा, वन विहार, ये क्या है, ये सभी के सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो केवला देव, रणथम्भौर, सरिस्का, डिजर्ट, दर्रा, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो कुंभलगढ़, बासी, सांभर और शेरगढ़, ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट, असम का देखते हैं, असम में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? पवित्रा, बुढ़ाचपोरी, चक्रशिला, लाउखोवा, गरम पानी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ है, असम में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, असम में जो नेशनल पार्क हैं कौन कौन से हैं? तो रायमोना, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और देहिंग पटका, ये जो है नेशनल पार्क है जो कि असम में है। वेस्ट बंगाल में कौन कौन से हैं? तो गौरूमारा नेशनल पार्क, बक्सा, न्योरा, संगलीला, जल्दापारा, सुंदरबंस, ये सब जो हैं नेशनल पार्क हैं जो कि वेस्ट बंगाल में हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वल्लभपुर, महानंदा, सेंचल, रमना बागान और सजना खली, ये जो हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हैं वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट देखते हैं 14वां प्रश्न, UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI पहली बार कब जारी किया गया था? ऑप्शन है ए 1990, बी 1991, सी 1993 और डी 1995। सही आंसर हो जाएगा मेरा ए 1990 में पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया गया था। ठीक, और यह किसने जारी किया था, तो मतलब इसके किसको तैयार किया था, तो महबूब उल हक ने इसे तैयार किया था, जो कहाँ के थे, तो ये पाकिस्तान के थे। महबूब उल हक जो थे कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे। और 2021 में बात की जगह भारत का HDI में कितना स्थान रहा है, तो हमें आंसर हो जाएगा 132वां स्थान पर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत। और पहले स्थान की बात की जाए, फर्स्ट रैंक किसका रहा है, तो फर्स्ट रैंक रहा है स्विट्जरलैंड का। ठीक, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन है ए माधुरी पुरीबुच, अलका मित्तल, धृति बनर्जी और निधि छिबर। ठीक, तो आंसर हो जाएगा बी अलका मित्तल जो है ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। माधुरी पुरीबुच की बात की जाए तो ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की।
धृति बनर्जी की बात की जाए तो ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये क्या है अध्यक्ष हैं। निधि छिबर की बात की जाए तो ये सीबीएसई की क्या है अध्यक्ष है, तो आंसर हो जाएगा इसका अलका मित्तल। नेक्स्ट देखते हैं हम 16वां प्रश्न, भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है। ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन और डी फ्रांस। सही आंसर हो जाएगा हमारा कहाँ गया, ए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को हराकर भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है। अगर बात कीजिए सबसे ज्यादा थॉमस कप किसने जीता है, सबसे अधिक बार थॉमस कप किसने जीता है आपका, इसका आंसर दीजिए तो किसने जीता है और ये किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, इसका आप आंसर दीजिए। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैस्पियन सागर कितने देशों से घिरा है। ऑप्शन है ए 3, B 4, C 5 और 6 और डी 6। तो इसका आंसर दीजिए, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। सबसे अधिक बार इंडोनेशिया ने ही सबसे अधिक इसको जीता है, इंडोनेशिया ने ही सबसे अधिक बार थॉमस कप जीता है। और ये किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से इसका संबंध है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, कैस्पियन सागर कितने देशों से घिरा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 5। टोटल 5 देशों से जो है कैस्पियन सागर घिरा है, वे 5 देश कौन कौन से हैं तो देख लीजिए, रसिया है ठीक, कजाकिस्तान ठीक, उसके बाद बात कीजिए तुर्कमेनिस्तान ठीक, अगला है ईरान और आखिरी है अजरबैजान। ये 5 देश हैं जिनसे कैस्पियन सागर क्या है घिरा है, रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली चालक विहीन मेट्रो किस शहर में चली, यानी कि ड्राइवरलेस मेट्रो। ऑप्शन है हमारा ए दिल्ली, बी कलकत्ता, सी जयपुर और डी चेन्नई। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए दिल्ली। सबसे पहला मेट्रो जो चालक विहीन था यानी कि ड्राइवरलेस था, हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली में यह चला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हें महामाना के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी मदन मोहन मालवीय और डी रविंद्रनाथ टैगोर। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी मदन मोहन मालवीय जो है, इनको महामाना के नाम से जाना जाता है और इन्होंने ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की ठीक। और ये 4 बार जो हैं, ये 4 बार कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने किया है, 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कब कब रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बार 1909 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में 1909 में। दूसरी बार कब किया था इन्होंने, तो 1918 ईस्वी में किया था, कहाँ पे किया था, तो दिल्ली के अधिवेशन में। तीसरी अध्यक्षता इन्होंने कब किया था, तो 1932 ईस्वी में, जो कि कहाँ हुआ था, दिल्ली में ही हुआ था। चौथी अध्यक्षता इन्होंने कहाँ किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा पहले कब किया था, तो 1933 में, कहाँ किया था, तो कोलकाता में। तो कुल मिलाकर इन्होंने 4 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, 1909, 1918, 1932 और 1933 ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 20वां प्रश्न, 2022 का उबेर कप किस देश ने जीता है। ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी इंडोनेशिया और डी दक्षिण कोरिया। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी दक्षिण कोरिया ने 2022 का उबेर कप जीता है। और किस देश को हरा कर जीता है, तो आंसर हो जाएगा चीन, चीन को हरा कर जीता है ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइम, देश का पहला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है। ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल और डी राजस्थान। यानी कि देश का पहला OTT, सरकारी OTT जो कि सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, वो किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल ने देश का पहला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है, सी स्पेस है ठीक। और OTT का पूरा नाम क्या होता है, तो ओवर द टॉप जो होता है, OTT का पूरा नाम है ओवर द टॉप ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे,
22वां प्रश्न, हाल ही में संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? ऑप्शन है ए गोवा, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल और डी बेंगलुरु। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी केरल। केरल ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी को जीता है, और किसको हरा कर जीता है? तो पश्चिम बंगाल को हरा कर, पश्चिम बंगाल को हरा कर, इसको पश्चिम बंगाल को हरा कर इसने संतोष ट्रॉफी जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां, विश्व मुक्केबाजी महिला चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक पदक किसने जीता है? ऑप्शन है निखत जरीन, बी मैरी कॉम, सी लवलीना बोरगोहेन और डी एंथनी अल्बनीज। तो हमें इसका सही आंसर हो जाएगा ए निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है विश्व मुक्केबाजी महिला चैंपियनशिप में। तो चलिए ये तीनों का संबंध तो जो है किस चीज़ से है? बॉक्सिंग से है। इन तीनों का संबंध किस चीज़ से है? बॉक्सिंग से है, निखत जरीन, मैरी कॉम और लवलीना बोरगोहेन। लेकिन ये एंथनी अल्बनीज ये कौन है, इसका आप उत्तर कमेंट में दीजिए। ये कौन है? एल्थनी एल्बनीज ये है कौन, इसका आप आंसर दीजिए। तब तक अगला क्वेश्चन तो आप चलते हैं हम, जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन है ए 70, बी 90, सी 110 और डी 36। हाँ सही आंसर हो जाएगा बी। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटों की संख्या 90 है। चलिए पीछे का आंसर दे दूँ, एंथनी अल्बनीज कौन है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया की पीएम बनी है, ऑस्ट्रेलिया की पीएम बनी है। ठीक, इस बात को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 25वां और आज का आखिरी प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 मार्च, 12 मार्च, बी 22 मार्च, सी 12 मई और डी 22 मई। हमारा आंसर हो जाएगा डी, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो ओवरऑल हमारा आज का सेशन रहा, आप जरूर बताइए कि आपने इन 25 क्वेश्चन में कितना सही किया कमेंट बॉक्स में, यहाँ पर मत बताइए, वीडियो ख़त्म जो हो रहा है उसके बाद जो कमेंट बॉक्स आता है उसमें बताइए। ठीक, तो ये आइए भी आप बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, प्रश्न आपको कैसे लगे, क्योंकि ये जो है SSGD स्पेशल है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या SSGD में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन हार्ड है ये ज़्यादा ईजी है, जो भी आप अपना सुझाव है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि आपके सुझाव से ही मैं आगे की जो है प्लानिंग कर पाऊँगा। तो चलिए यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से जुड़ने के लिए।